बार आ चुका है कि न्यू वीडियो के साथ वापस एक बार आ से पहले मैं कभी भी ये वाला चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज मैं चैलेंज करने वाला हूँ भाई 30 किल्स का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कभी हाई किल का गेम प्ले भी डालो या कभी चिकन डिनर का डालो, तो वैसे मैं हाई किल के लिए नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ किल करने के लिए जाता हूँ। बट ये वाले मैच में मैं जाऊँगा भाई 30 किल करने के लिए। जी हाँ गाइस, ट्राई करते यार ये वाले मैच में 30 किल करने का और देखते क्या एक मैच के अंदर मैं 30 किल कर पाता हूँ कि नहीं। तो चलो देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक गेम मिल गई है और रुकूंगा नहीं मैं यहाँ पे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो इस बंदे को नॉक किया, फिनिश नहीं किया क्योंकि मुझे 30 किल करने जल्दी से जल्दी, तो क्योंकि अगर मैंने लेट किया एक भी बंदे को मारने में तो शायद मैं 30 किल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे जो मिल रहा है मैं उसको मारते जा रहा हूँ। और यहाँ पे फिलहाल 2 बंदों को तो मैं यहाँ पे नॉक कर चुका हूँ, 3 हो गए। और इसको लगे यार फिनिश भी कर देता क्योंकि यार इसको छोड़ दो तो भाई इसकी टीम पूरी की पूरी जिंदा हो जाती। तो यहाँ पे जो है अभी 3 किल तो झटके से हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बिना कटे वीडियो दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली मैं क्या ये वाले मैच में मैं 30 किल कर पाऊंगा कि नहीं। फिलहाल उस तरफ जाते हैं, इस तरफ तो एक टीम उतरी थी जिसको मैंने उड़ा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे हेलमेट वेस्ट तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक कुल और जोड़ लो। अब यहाँ पे एक बंदा इस घर में भी था, पहले तो वो इस घर में से मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी, वो दूसरे घर से आ रही थी, तो दूसरे घर में था बंदा। और देखो ये भी मारा जाता है और इसको भी फिनिश कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो जितनी आसानी से किल हो रहे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिलहाल देखो अब इस तरफ से मेरे को कुछ फुटस्टेप आ रहे थे तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है एक बार जाके चेक कर लेते, क्योंकि जितने ज़्यादा किल हो सके उतने करने मेरे को। एंड ये वाले मैच में भाई कुछ भी करके 30 किल तो करने हैं। एक और मिला। अब यार यहाँ पे जैसे के साथ 6 किल हो जाते हैं। अब जस्ट आप गिनते जाओ एंड पूरी वीडियो देखते रहो कि क्या हम जो है ये वाला चैलेंज पूरा कर पाते कि नहीं। और अगर तो कर पाते हैं भाई कुछ भी मिले जो भी मिले किल करना है बस, और अगर कर दिया तो भाई सब्सक्राइब बनता है। फिलहाल इसको भी मार दिया मैंने और जितने किल हो रहे बस करते रहो। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे बंदे नहीं आ रखे, बहुत ज़्यादा बंदे आ रखे हैं और जो मिल रहा है भाई उसको मारना है बस अभी फिलहाल। तो सबसे पहला टारगेट मेरा सामने वाला बंदा है क्योंकि वो जो है हम पे फायर कर रहा था, और सबसे पहले तो मैं ऐसे रोड क्रॉस करूंगा, लेकिन तब पता चलता है कि लेकिन इतने में हमको पता लगता है कि भाई उसके बंदे खुद ही यहाँ पे रोड क्रॉस करके आ चुके हैं। और देखो जैसे कि मैंने कहा था भाई उसके बंदे आ चुके हैं तो अभी भरना पड़ेगा इनको भी। एक को मैंने मार दिया लेकिन इसने मेरे को काफ़ी डैमेज दे दिया था, तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो अपनी गन्स को जो है स्वाइप करने लग जाता हूँ। अब सबसे पहले मेरा मकसद है मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले रिवाइव करूँ क्योंकि इसकी पूरी की पूरी टीम जो है सड़क के उस पार है और इनका एक बंदा नॉक है तो मतलब ये बचाने आएंगे, और बचाने आएंगे तो मैं मार दूंगा। बट वो बंदे स्मार्ट फायर उन्होंने स्मोक कर दिया और मैं भी जल्दी जल्दी जो है इस चक्कर में हील करने लग जाता हूँ। और जैसे मेरा हील यहाँ पे कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ मारने के लिए। अभी भी वो वाला बंदा शायद क्रॉस कर चुका है या क्रॉस नहीं किया, बट मैं फिर भी हील कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब देखो कैसे भरते हैं सबको। एक को तो मैंने फिनिश कर दिया, दूसरे को मैंने डैमेज कर दिया और वो अभी भी घर के अंदर है, तो मेरे को लग रहा था कि वो जो है वहाँ से जो है पिक करके मारेगा मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। तो देखो फिर कैसे भरते इसको। और इसी के साथ साथ जो है किल तो काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, बट देखते भाई मर ना जाऊँ कहीं। और यहाँ पे जो है मैं एक ही मैच यूज़ करूँगा ये हाई किल करने के लिए, यानी 30 किल करने के लिए। तो देखना होगा यार कर पाते कि नहीं, मैं कभी भी किल के लिए खेलता नहीं हूँ, लेकिन ये वाले मैच में देखते कि भाई हम कर पाते कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे जो है 8 या 9 किल तो हो चुके हैं। अब बारी थी यहाँ से निकलने की और तभी मेरे को जो है उस वाले घर से फुटस्टेप आते हैं। और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को, ये बिल्कुल रेडी थे मेरे को मारने के लिए, लेकिन उल्टा यही वाला बंदा मारा जाता है और हमको जो सिवाय इसके लूट कर कुछ नहीं मिलता। अब जैसे उसको मारा तो इस तरफ से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं और भाई एक खुशी की लहर और दौड़ बढ़ते हुए कि एक किल और मिलेगा। फिलहाल इसको फिनिश करने के बाद मेरे को लगा कि इनके और भी बंदे होने चाहिए। अब 2 बंदों को हमने मार दिया था और 2 बंदे और बचे हुए थे, शायद इनके कहीं पर भी हो सकते थे, तो वो हम जो है उन सबको ढूंढने लग जाते हैं कि भाई वो एक्चुअली है कहाँ पे। और पूरे कोचिंग की में जो है बहुत सारे बंदे आ रखे थे, इसलिए जो है यहाँ पे अभी भी और बंदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई मिलता नहीं था। हमने सोचा चलो यार चलो निकल लेते हैं, लेकिन तभी फायरिंग आती है और कुछ किल और मिलते हैं। अब यहाँ पे जितने भी किल हमको मिलेंगे भाई कोई भी हम रुकेंगे नहीं, मारते जाएंगे। और एट द एंड जो है देखते हैं कि भाई हम 30 किल कर पाएंगे कि नहीं। और मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी भाई मैं करूँ, लेकिन तभी गाड़ी की आवाज़ आती है। अब क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं थी तो हमने सोचा चलो गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन इतनी देर में गाड़ी लेके बंदे खुद हमारे पास आ जाते हैं। और एक को तो मैंने पहले नॉक कर दिया था, दूसरे को मैं बाद में नॉक करके मार देता हूँ, लेकिन जो पहले नॉक किया था वो वाला बंदा अभी तक उसका किल मेरे को मिला नहीं है क्योंकि 12 किल मेरे पहले से ही थे, तो यहाँ पे 14 होने चाहिए कायदे से। तो और ये वाला बंदा यहाँ पे जो है रिवाइव के चक्कर में बहुत देर से छिपा हुआ था, बट इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे जो है क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी है नहीं और इनकी जो गाड़ी थी वो हमने ऑलमोस्ट ब्लास्ट कर दी है,
तो हमको जो है अगेन कुछ ना कुछ और गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहीं पे जो है एक और गाड़ी पड़ी रहती है, और अब हम जाने वाले हैं सीधा और जगहों पे जो है रश करने के लिए। लेकिन ये मेरा टीममेट इतनी देरी क्यों कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी किल करने, और ये देखो हम कैसी कैसी गाड़ी में जा रहे हैं रश करने के लिए, मतलब देख रहे हो धुंध के धुंध टायर फटे हुए हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है भाई हाई किल के लिए, यार आपको बताना कमेंट में कि कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उससे पहले और कुछ कर पाए ना कर पाए, इस बंदे को जो है नहीं छोड़ने वाले। जैसे देखो कैसे भरते इस बंदे को, सबसे पहले तो इसको फिनिश किया, और दुख की बात तो ये थी कि भाई इसका कोई भी टीममेट यहाँ पे था नहीं, तो एक ही किल मिला मेरे को। लेकिन तभी आवाज़ आती है, और हाँ इसके टीममेट थे यहाँ पे, तो मतलब इन्होंने यहाँ पे जो है फ्लेयर चला रखी थी, और एक्चुअली हम फ्लेयर भी आए थे। अब यहाँ पे इसका जो टीममेट है वो सीढ़ी पे बैठ जाता है, और इतना मेरे को पता है कि 80% चांस है कि उसको मैं मार दूंगा, लेकिन 20% चांस तो उसके पास भी है, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट्स का वेट करता हूँ कि भाई अगर मैं नॉक हो जाऊँ तो मेरे को बचा लेना, और उसकी नौबत नहीं आती क्योंकि मैं ऑलरेडी रेडी था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी किल चाहिए, और जब मैं बहुत जल्दी करता हूँ तो तब मैं जो है थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली खेलता हूँ, और यहाँ पे फिलहाल वैसे ही कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इनका जो ड्रॉप था अगर मैं वो लूट लेता हूँ तो भाई आगे जाके जो है काफ़ी आसानी होने वाली है। लेकिन मेरे में यहाँ पे जो है पता नहीं कहाँ से स्पाइडरमैन की तरह पहले जम करके वहाँ पे आ गया, और ऐसे ड्रॉप से मैं जो है कभी से भी किसी भी साइड से हमला हो जाता है, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, इसीलिए बोल रहा था। फिलहाल बगला बंदा तो काफ़ी इजीली मार दिया गया, क्योंकि तीन बंदों को कहाँ मार पाएगा एक स्प्रे के अंदर। और अच्छी बात तो यह थी कि उसकी कोई टीम नहीं थी। तभी यहाँ पे एक बग्गी आती है, और बग्गी से निकलते हैं शायद एक या दो बंदे। मैंने बग्गी को देख लिया था, और आई एम सो लकी यहाँ पे बच गया मैं, और मतलब थोड़ा सा डिसिंक हुआ यहाँ पे क्योंकि मैं बैठ गया था, फिर भी मेरे को जो हेड लग गया। लेकिन अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, थोड़ी सी लेट कर दी इस बंदे ने, वरना जो है ये नेट में फेंक के मेरे को मार सकता था काफ़ी इजीली। बट एट द एंड जो है यही वाला बंदा मारा जाता है, और यहाँ पे जो है कुछ और किल मिलते हैं, और किल देखते देखते जो 17 तक पहुँच गए थे, 30 तक पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे जो जल्दी करी, मैंने बोला बैठ जल्दी, लेकिन तब मेरे को पता चला कि भाई मैं तो बगी के ऊपर हूँ। फिलहाल यहाँ पे दो किल और मिलते हैं, चाहे कोई भी किल मिले लेकिन भाई हमको किल करने से मतलब है। फिलहाल जितने हो सके जल्दी से जल्दी किल करने, और यहाँ पे जैसे जैसे लास्ट में जाते हैं तो तब किल की दिक्कत नहीं होती, दिक्कत ये होती कि बंदे जो अपने आप ही मरने लग जाते हैं, क्योंकि जोन जो काफ़ी छोटा हो जाता है, और क्योंकि एक टाइम पर हम हर जगह नहीं हो सकते, तो बंदे हर जगह होते हैं तो हर जगह पर आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जोन छोटा जाता है, सब एक दूसरे को मिलेंगे तो ऑब्वियसली नेचुरली फाइट करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, एक बंदा मेरे को मिलता है जिसको जिसका पीछे मैं पोचिंग से कर रहा था, अब मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा बच के निकल जाता है। लेकिन छोड़ने तो वाला था नहीं मैं इसको, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पूरी शिद्दत से इस बंदे का पीछा करने। सोचा था कि इसे हवा में बगे उछालूंगा और सीट चेंज करके मारूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ना तो मैं सीट चेंज कर पाया, ना तो मैं उस बंदे को मार पाया, क्योंकि मेरे टीममेट ने ऑलरेडी उसको मार दिया था। तो आप मेरी तरह इस तरह से हाथ पे हाथ धर के मत बैठना, आप ट्राई करना वन एक्सपर्ट, जहाँ पे आप जो है मैचेस के ऊपर प्रेडिक्शन लगा सकते थे, लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में कौन जीतेगा, और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती तो आप कुछ कैश जीत सकते हो जिसको आप पेटीएम के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। अब फिलहाल देखो कैसे इस बंदे को धोते हैं, और आप ट्राई करो इतनी देर में वन एक्सपर्ट, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके लिंक दे दिया है। और इसी बात पर देखो दो बंदे मैंने इनको लुटका दिया, अब आखिरी बंदा बचा हुआ है जिसके पास गुरुजा है, और बच के रहना पड़ेगा। लेकिन 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 एक दिक्कत यहाँ पे होती है, अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा कि बंदा है कहाँ पे, इतना तो मेरे को पता था भाई इन लोगों के पास गुरुजा वरुजा है। और हाँ ये मैंने तब चेक किया जो मेरा टीममेट मेरे को बोलता है कि भाई इसकी क्रेट में गुरुजा पड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पे जो बगीज की आवाज़ आ रही थी, मेरे को लगा कोई किसी ने अटैक कर दिया है, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गया था मारने वारने के लिए। लेकिन तब पता चलता कि अपने बंदे, तो मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेने आता हूँ, और एक गैराज होता है रोजोक के अंदर, तो मैंने देखा चलो रोजोक के अंदर से एक गैराज है, तो वहाँ से गाड़ी लेके आते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ घूमते हैं। ऐसा अकेला घूमना थोड़ा खतरे में, खाली खतरा थोड़ा सा होगा। और जैसे मैं आप रुकता हूँ तभी मेरे को जो एक आवाज़ आती है, अब आवाज़ थी बंदे की, वो अचानक लेट जाता है, और तभी जैसे देखो सामने ये वाला बंदा जो है एक्चुअली गाड़ी लेने आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो जोन नहीं था आप देख सकते हो। तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे आई तो ये वाला बंदा जो लेट जाता, और लक की बात मेरे टीममेट्स को भी गाड़ी मिल जाती है यहाँ पे। अब फिलहाल जाना तो एक ही गाड़ी में था, सब मेरी गाड़ी में बैठ जाते, और यहाँ पे जो है 23 किल हो चुके हैं देखते ही देखते गाइस। और क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं देखना होगा, फ्यूचर की बात है, बट अभी भी थोड़े से तो चांस है यार कि मैं कर पाऊँ कंप्लीट। और इतनी देर में जो है सामने से कुछ शॉट्स आते हैं वो भी स्नाइपर के, सुनो। अब जैसे ये स्नाइपर का शॉट आया तो भाई समझ गया कि दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, और मेरे लिए यहाँ पे अच्छी बात है कि मैं किल बटोर सकता हूँ काफ़ी इजीली। तो देखो यहाँ
पे जो है इनके दो बंदों को तो मैंने मार दिया और एक बाकी के बचे हुए दो बंदों को मेरे बाकी के बचे हुए दो टीममेट मार देते हैं और इस टीम को जो है हमने खत्म कर दिया। लेकिन सामने जो है एक और बंदा था जिसके साथ स्नाइपर टू स्नाइपर फाइट कर रहे थे। अब इनके पास भी एक स्नाइपर थी तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना स्नाइपर लूँ। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एक क्रेट के अंदर से चुन चन के एक स्नाइपर ले लेता हूँ और मैंने कहा था कि भाई अब इस स्नाइपर मतलब स्नाइपर का यूज़ करूँगा मैं सामने वाले बंदे को मारने के लिए। मैंने उसको हेड मारने की ट्राई करी लेकिन उसको जो है बॉडी लगती है और वो जो है अपने आप को हील करने लग जाता है। अब लेवल 3 का हेलमेट तैयार उस बंदे के पास तो वो हील तो करेगा ही अपने आप को। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम जो है काफ़ी ओपन में जाने लग जाते हैं फुल हाई रिस्क लेके। अब यहाँ पे जो है हो भी सकता था कि लाइक हम जो है उस बंदे के हाथों मारे जाते बट रिस्क लेना जरूरी था क्योंकि 30 किल करने थे और यहाँ पे होता भी कुछ वैसा ही है। इस बंदे को मार दिया अब 26 किल हो गए थे। अब हमने जब अलाइव पे नजर डाली तो 5 तैयार और 26 किल और 5 अलाइव तो समझ सकते हो यार यहाँ पे जो है क्या होने वाला है। लेकिन बाकी के बचे हुए बंदों को तो मारना ही था तो हम यहाँ पे से जो है मेरा टीममेट इतनी देर में एक बगी लेके आता और उसके जस्ट पीछे से एक बगी और आती है। डबल बगी की आवाज़ सुन के जो है जैसे मेरे को डबल बगी की आवाज़ आई तो देखो कैसे भरते हैं। और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया था लेकिन उनने भी हमारे एक टीममेट को नॉक कर दिया और मैंने जिसको नॉक किया था उसको फिनिश नहीं करता क्योंकि मेरे को उसके दूसरे टीममेट को मारना था और एक ही बार में इन दोनों के किल की मजे लेने थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है दिक्कत ये थी जिसको मैंने नॉक किया था वो तो मेरे को दिख रहा था लेकिन जो भाग गया था वो बंदा पता नहीं कहाँ पे पता नहीं। लेकिन फिलहाल हमको जो है उसे ढूंढना है। मेरे टीममेट ने उसे आते हुए देखा था घरों में तो घरों में हम पूरा चेक कर लेते हैं लेकिन घरों में जो है कोई भी नहीं होता। अब इतना मेरे को पता था कि उसका टीममेट वहाँ पे नॉक पड़ा है तो उसको बचाने के लिए जरूर और जरूर एंड जरूर आएगा। तो हम यहीं पे घूमते हैं जानबूझ के कि कभी ना कभी तो आएगा अपने टीममेट को बचाने के लिए। हम भी नहीं जाते अपने टीममेट को बचाने के लिए क्योंकि हमको पता था एक ही बंदा बचा उसको मारना हमको और तभी जो है वहाँ पे स्मोक होता है और मैं समझ गया था भाई बंदा जो है कहाँ पे हो सकता है। अब मैं जस्ट वेट करना था मेरे को और तभी मेरा टीममेट बोलता है कि भाई बंदा आ रहा है। इसी के साथ हो जाता है यार एक ईज़।